आपको पता है आप तो गडार के काफ़ी चक्कर लगाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए। हम लोगों ने एक इनिशिएट लिया गडार के फार्मर्स के लिए जो कि वेटनरी के हॉस्पिटल के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप सबको पता है बहुत ऑथेंटिक है बिल्डर का प्रोजेक्ट है AJ किंग, उसने काफ़ी सारे जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पर बड़ी कामयाबी से डिलीवर किए हैं। तो आप लोग आएँ जैसे कि ये दिखाएँ, ये हमारे मेन बॉलीवुड का रोड है। सही, इस रोड पे हमारे पास फार्म अवेलेबल हैं, पीछे हमारे पास फार्म अवेलेबल है। एक अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर, वजह आपको बताता हूँ कि मैं वो प्राइस क्यों नहीं रिवील कर रहा। आज ये वीडियो हमने बनाई, आज 25 अगस्त। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मौजूद है। काफ़ी लोग बोल लेंगे फेदी भाई ये क्या शशकों वशकों में आए हुए हो यार। नहीं यार, सीन ऐसा था कि बताना ये था न्यू अपडेट। मैंने आपको बोला था लास्ट व्लॉग में कि भाई गड़ाप में जाना है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल की ओपनिंग है। खाली यहाँ तक का बताया था, हॉस्पिटल भी खैर नहीं बताया था मैंने, बहरहाल ओपनिंग के लिए आए भाई माशाल्लाह। अल जन्नत कैटल फार्म और AJ के तावुन से भाई यहाँ पे हॉस्पिटल जानवरों के लिए खोला जा रहा है, बड़े अच्छे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल का। ये पहले तो आप ये चेक कर लें भाई, और सारे मेहमान आए हुए, ख्वाजा साहब ने भाई माशाल्लाह, ख्वाजा साहब को भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख्वाजा साहब ने मुझे याद रखा और ख्वाजा साहब ने भाई माशाल्लाह से मुझे इनवाइट किया है। बाकी बहरहाल गाड़ी को रश चेक कर सकते हैं, आवाम तो खैर पहुँची भी अच्छी खासी पहुँची भी है, और इंशाल्लाह ख्वाजा साहब स्पीच पर हैं, आप लोगों को मिलवाएंगे इंशाल्लाह हमारे दोस्तों से, फेलो यूट्यूबर से। बाकी बहरहाल ये चेक कर लें माशाल्लाह, शाम का समय है और इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे। 400 बाड़े हैं, 500 के करीब तकरीबन बाड़े हैं यहाँ पे जो वर्किंग में है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ये आलमगीर भाई और जुनेद जासिम भाई ने जो है ना ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एक वेट हॉस्पिटल यहाँ पे बना रहे हैं, एक अच्छी प्रॉपर वेटनेरियन की टीम। टीम का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तो यहाँ मदू किया गया हूँ सिर्फ हॉस्पिटल के हवाले से बात करने के लिए कि हॉस्पिटल के हवाले से हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इंशाल्लाह, और हम इसको टोटली डिजिटलाइज करके और एनिमल बाय एनिमल, एक एक एनिमल की, एक एक काओ की, आपके एक एक बछड़े की ट्रैकिंग तक रखेंगे, और उनके लिए हमारे पास इस हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सिस्टम भी है, और हम एम्बुलेंस, मोबाइल एम्बुलेंस मौजूद होगी 24 आवर, जो आपके जानवरों की हर लिहाज से निगहदाश्त के लिए आपके फार्म पर पहुँचेगी। इवन के अल्ट्रासाउंड मशीन भी उस मोबाइल में इंस्टॉल्ड होगी, और अगर जो भी अगर उसको उठा के लाना होगा हॉस्पिटल में जानवर को, उस हवाले से भी हमारे पास तमाम मोबिलिटी मौजूद है, और हम उस पर हमारे डॉक्टर्स भी वहाँ अवेलेबल होंगे 24/7। सबसे बड़ा मसला हमारे फार्मर्स का ये होता है कि इनके पास मेडिसन नहीं अवेलेबल हो पाती 24 आवर यहाँ पर, लेकिन इस हॉस्पिटल में एक बड़ा स्टॉक रखा जाएगा 24/7 जो मौजूद होगा, और वो इंशाल्लाह हसन भाई की निगहदाश्त में, इंशाल्लाह ये इन्हीं की गाइडलाइन पर हम मेंटेन कर रहे हैं उन चीज़ों को, और तमाम तर सहूलियात उसकी एक्टिविटी में चेंजेस आ रही हैं, तो आप घर से बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं, आप अपने गवाले के मोहताज नहीं होंगे इंशाल्लाह। और हम सब की बहुत अच्छी दुआ गो हैं हम सब इनके लिए, आलमगीर भाई और जुनेद जसीम भाई के लिए, कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और हम सब इनके साथ हैं एज अ JFA मेम्बर, और इनकी कैटल सिटी, इनकी बड़ी बहुत बड़ी काविश है कि अपनी कैटल सिटी से बाहर भी ये लोगों को प्रिविलेज दे रहे हैं हॉस्पिटल के हवाले से। आप सबसे गुजारिश करूँगा इनके लिए जो बेहतर अपने अपना मावन हो सकते हैं, जैसे आज सूरती साहब ने एक वैक्सीनेशन का सिस्टम शुरू किया जो गवर्नमेंट की हमारे पास फैसिलिटी थी, हमें पता नहीं था, सूरती साहब ने इंट्रोड्यूस कराया और फ्री में हमें, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वो लाखों रुपए की वैक्सीन बन रही है, जो हमारे 400-500 फार्म्स के लिए भी हसन भाई ने बताया लाखों रुपये की बन रही है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही हैं, और जो प्रिकॉशनरी मेडिसन हैं, फर्दर मेडिसन तो जहर है हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन प्रिकॉशनरी मेडिसन बहुत ज़रूरी होती है हर वेदर और हर क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उस हवाले से ये बहुत बड़ा मेजर है सुरजी साहब का, उसके लिए हम बहुत मशहूर हैं सुरजी साहब के। बाकी मैं इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा मेरे भाई, मैं यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से, आप मेरे काफ़ी दोस्त हैं और यहाँ पे कैटल फार्म खोले हुए हैं, और उसके बावजूद आज दुनिया बदल चुका है, आपसे यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं इससे चंद किलोमीटर आगे जाएं गोश्त फैक्ट्री मतलब वगैरह, यहाँ तो कारोबार गडाफ टोल तो आजकल ऐसे ही समझो कि बहरिया लगा हुआ है। तो हम आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताएंगे कि हम यहाँ इस इलाके में मतलब अमन परस्त और रिहाइश और जो हमारे जो भी साथी हैं हम उनके लिए आधी रात को भी अवेलेबल हैं, और कोई भी मामला कोई भी हो, जुनेद भाई हैं, आलमगीर भाई हैं, तो इसको हमने नंबर दिए हुए कोई भी मसले मसाइल के लिए,
तो हम सब दोस्तों को यही गुजारिश है कि आप आएँ, इन्वेस्ट करें, कारोबार करें। माशाल्लाह खुला माहौल, पहले वाला वो ज़माना नहीं था मार धाड़ की। तो हम इसके हवाले से जो है वो आपको सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप आ जाएं, इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे खुला माहौल है, आपसे यहाँ जहाँ बैठे हुए लोकेशन के हिसाब से चंद किलोमीटर जो है वो बहरिया पहाड़ों की तरफ से आ रहा है। ये चंद सालों के बाद ये समझो कि कराची शहर बनेगा, और जिसे तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से, और मेरे दोस्त मेमन बिरादरी सारे ने केटल फार्म खोले हैं। आप भी, आप जैसे कि आप हमारे तमाम सारे बड़े कीमती लोग यहाँ पर आए हैं अपना वक्त निकाल कर, उन सब का हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, गडाप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि पता नहीं यहाँ पे जगह ऑथेंटिक है या नहीं है। आज से ठीक 4 साल पहले एज़ अ फार्मर मैं यहाँ पर आया था, मैंने 1000 गज जगह ख़रीदी थी, वो भी बहुत डर डर के। जब मैंने वो जगह ख़रीदी, मेरे काफ़ी दोस्त यार अजीज़ों करीब मेरे को यही कहा करते थे कि भाई आपने ये कहाँ जगह ले ली, क्या कर दिया, कैसे कर दिया। खैर, करते करते ऐसे जैसे 1-2 साल हमारे गुजरे, मैंने देखा माशाल्लाह यहाँ तो बड़ी डेवलपमेंट चल रही है और लोग आ रहे हैं, और सिर्फ मैं नहीं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जैसे हमारे सूरती, ये सूरती साहब जो बैठे हुए हैं, ये सूरती लेस और इंडस्ट्रियल, जैसे कि आप सबको पता होगा ये उनसे रिलेटेड हैं। इन्होंने माशाल्लाह अपने तकरीबन 4 एकड़ पर अपना फार्म बनाया। फिर उस तरह ये हमारे एक आगा खान के कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी है, उनके साहबजादे हमारे साथ बैठे हुए हैं आमिर भाई, इन्होंने मेरे साथ ही फार्म लिया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे एक पड़ोसी हैं, सबसे बड़ी बात ये क्रिश्चियन कम्युनिटी, अलग है, इनको सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है जो होना नहीं चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने विज़िट किया, माशाल्लाह आज पीछे जो सबसे पहला फॉर्म इस कैटल सिटी में बनाया वो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से गए हैं, लॉरेंस भाई के सामने बैठे हुए हैं हमारे, और इनके लिए तालियां बजाई जाएँ सबसे पहले। तो जब मैं आया, मैंने 1000 गज का फॉर्म लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 1000 का मेरा 4 एकड़ पे मेरा फार्म है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर आएँ, आप लोग खुल कर इन्वेस्टमेंट करें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई चोरी, कोई चकारी, कोई इस तरह के मामला नहीं है। ये हमारे आमिर भाई बैठे हुए, इनके फार्म के गेट खुले होते हैं, 2-2 हफ्ते बाद आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं यार मेरा फार्म तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। इन्होंने जो माशाल्लाह बंदा रखा है वो भी बड़ा खुश मिजाज आदमी है, हर टाइम घूमता फिरता रहता है, तो इनका फार्म ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। तो मेरा अपना फार्म, मेरे गेट खुले अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी 50-55 जानवर मेरे फार्म पे हैं। तो जो गवालों का वनडे का टाइम होता है, उस टाइम गवाले घूमते फिरते हैं, हमारे गेट खुला होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सबके जानवर भी महफूज हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, 100% महफूज है। और जैसे कि एजे बिल्डर, अच्छा सबसे बड़ी बात होती है, लोग देखते हैं कि बिल्डर कौन है, बिल्डर की क्या ऑथेंटिटी है। अच्छा, तो बिल्डर की है ऑथेंटिटी है इस गडाब में 3 फेज। एजे बिल्डर बड़ी कामयाबी से इसको सोल्ड कर चुका है, एजे कैटल फेज़ 1, एजे कैटल फेज़ 2, एजे कैटल फेज़ 3। जैसे कि बारिशें हुई हैं, हालांकि कोई डेवलपमेंट चार्जेस तो आपको पता है एजे बिल्डर लेता ही नहीं है, बारिश हुई, रोड ख़राब हुए, ये सारे मामला ख़राब हुए, तो क्या किया एजे बिल्डर ने, कहा नहीं ये हमारे कस्टमर हैं और उनके लिए बकायदा एजे ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके और लाखों में खर्च करके उनके वो रोड ठीक करवाए, वहाँ पे ट्रैक्टर चलवाए, वहाँ पे शावल चलवाए, वहाँ पे मट्टियाँ डलवाई। तो ये सारी बात कहने का मकसद ये है कि आप लोग आएँ गडाप में इन्वेस्टमेंट करें, और एजे किंग ने जो अभी द कैटल सिटी का ये प्रोजेक्ट बनाया, इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को, इस पूरे गडाप का एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, ने जसीम साहब करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मुनीब भाई, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मुनीब भाई ने जिस तरह से मेरे लिए अल्फाज अदा किए हैं, जज़ाकअल्लाह, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर बस मेहनत तो चल रही है और आइंदा चलती भी रहेगी, असल में बस इस चीज़ को फॉलो किया हुआ है हमने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम बेसिकली बिज़नेस कर रहे हैं एक तरह से। अगर आपके पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप खेती बाड़ी करें, अगर पास बिल्कुल नहीं है तो आप ग़ुलामी करें, और तीसरा अगर बिल्कुल भी आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो है ग़ुलामी की तरफ चले जाएँ। तो हम लोग जॉब वगैरह छोड़ के सारे ग़ुलामी की तरफ जाते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है लोगों को लेकिन अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर रहे होते हैं। और ये है कि बस मैं इन सबको यही कहूँगा लोगों को कि बिज़नेस की तरफ आएँ, और सेकंड ये कि इतनी बड़ी जगह है, आप कब तक जो है जॉब वगैरह करते रहेंगे,
बाकी ये है कि इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आप यहाँ पर आएँ कैटल सिटी में, और जो है बाकी हमारी कंसल्टेंसी वगैरह जो है 24 आवर्स। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जैसे ही अदनान की बात कर रहे हैं तो हम अदनान की बात को आगे करेंगे। इसमें तो दो राय नहीं है कि एजे को ये गडाप के अंदर मार्केटिंग के हवाले से जो इतने ऊपर लेके आए उसमें अदनान का बहुत बड़ा, अदनान की उसकी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह उसको ऐसे ही कामयाब करे। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब आज से 5 साल पहले यहाँ आए थे तो हमने भी ऐसे ये आलम भाई ने बोला कि हमने भी ऐसी 1-2-3 एकड़ जगह ली थी अपने शाहिद भाई से, वो यहाँ बैठे हुए, ये हमारे साथ हैं, हमारे उस्तादों में से, और क्या कहते हैं, और आज भी हम इन्हीं से जगह लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ हमारा यही है कि हम यहाँ गडाप को आबाद करें, यहाँ के लोगों को रोज़गार दें, और हम सिर्फ यही कहते हैं कि यहाँ पे हमारी टीम को, हम अपनी टीम को कहते हैं कि पॉजिटिव सोच के साथ आप काम करें इंशाल्लाह। और जगहें बहुत हैं, क्योंकि अभी हम धंधे की बात कर रहे थे, धंधा अभी हमारे पास सिर्फ ये है कि ज़मीन बेचना। ज़मीन बेचेंगे, जैसे हमारे GFA के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, माशाल्लाह से हमारे जो कैटल फार्मर हैं उसके हवाले से ये पूरी टीम हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके लिए हमने ये इनकी काविशों से, इन्होंने काफ़ी टाइम से, जैसे अलजन्नत लाइफ स्टॉक ने हमसे कहा कि हम वेट हॉस्पिटल बनाते हैं, फिर GFA से हमारी बात हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने एक इनिशिएट लिया है और ये हम बहुत जल्दी वेट हॉस्पिटल का आगाज़ भी कर देंगे। और इसके साथ जैसे उन्होंने बाइक का आगाज़ किया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे साथ के लोग अगर हमसे ज़मीन लेंगे तो हम उनको वक्तन उनको चीज़ें हम इनाम वो बताते रहेंगे हमारी टीम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फेज़ 5 है कैटल सिटी, ये जो हमने पहली दफ़ा लॉन्च किया है, और इसमें हम जो है अपना इंशाल्लाह एक मदरसा बनाएंगे, रिहायशी मदरसा बनाने का ऐलान करेंगे हम इंशाल्लाह, ताकि हमारे यहाँ पे गडाब में मस्जिदें तो बहुत बनती हैं लेकिन वहाँ आबाद नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये है कि लोग यहाँ पे आते नहीं हैं नमाज़ पढ़ने के। जब इंशाल्लाह रिहायशी मदरसा बनेगा तो मस्जिदें आबाद होंगी, जब मस्जिदें आबाद होंगी इंशाल्लाह बरकत आएगी। और बस थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी हौसला अफजाई करी। थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम को हम कवर इस तरीके से करेंगे कि पहले जो है वो हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जो मौजूदीन यहाँ पर जमा हुए, और उसके आप तमाम लोगों के जरिए कि जो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे जो है वो इस तख्ती की रहनुमाई करेंगे जिसको हम संगे बुनियाद का नाम देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे बुजुर्ग हस्ती और GFA के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अनवर सूती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गेती मार के आज यहाँ पे काम के इब्तिदा का शुरुआत करेंगे। और अनवर सूती साहब और आलमगीर भाई आप इस तरफ आएं और इसकी जो है ना वो रहनुमाई करें, आ जाए प्लीज आलमगीर भाई इस तरफ आए साहब आ जाए। ये चेक करें भाई, कितने अरसे के अंदर ये जो है इमारत तैयार हो जाएगी? सर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस इमारत को हम लोग 3 महीने में कंप्लीट। 3 महीने में एक कैबिन होनी चाहिए, बात की बहुत बड़ी बात है भाई। हमारी कोशिश है क्योंकि जैसे कि गडाप के फार्मर के जितने मसाइल हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वेटनरी हॉस्पिटल से हल हो। उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है, हमारा जानवर बीमार है जी जी, उसका इलाज करने वाला कोई नहीं होता यहाँ पे। सही बात, तो इंशाल्लाह उसका प्रॉपर इलाज होगा यहाँ पर और प्रॉपर 24 आवर्स में ये हमारा तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे, पहले करेंगे।
क्या बात है भैया, कल से इसके ऊपर काम शुरू होगा। आप देख लिए इतने सारे कैमरों के जरिए आपने कमिटमेंट किए, ख्वाजा साहब आप तो खिंचाई करते हैं, आप देख लिए कमिटमेंट कमिटमेंट होती है। इंशाल्लाह काम होता नजर आएगा यहाँ। चले भाई वाह भैया, बहुत 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 मैं ऐड कर दूं। जी जी, सबसे बड़ी ये खुशी मुझे हुई है, हमारे डॉक्टर कलीम साहब जो हैं डीवीएम डॉक्टर, बड़े सीनियर डॉक्टर तशरीफ लाए हैं और ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइज मुझे, इन्होंने बहुत इसको अहमियत देते हुए वक्त थोड़ा निकाला और मुझे इनके साथ होती है बड़ी खुशी महसूस। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेटरनरी के हवाले से माशाल्लाह काम हो रहा है तो हमारी मौजूदगी ज़रूरी है, इसका शर्फ आप लोगों ने बख्शा है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम जीएफए की तरफ से जनाब जुनैद जसीम भाई को और आलमगीर भाई को यकीन दिलाते हैं कि उनके हर एहसन इकदाम में इंशाल्लाह ताला हम उनके शाना बशाना वो हमें खड़ा पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी अब जो है इंशाल्लाह मैं आप तमाम मेहमान गिरामी से और जो है ना अपने लोगों से चाहूँगा कि जी यहाँ पे जुनैद भाई ने और आलमगीर भाई ने खाने का प्रोग्राम बनाया है तो खाना खाए बगैर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि प्रधान जो है ना अगर उसकी दावत में कोई खाना खाए बगैर चले जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। ठीक है, खाना जरूर, खाना जरूर। और हमने स्पेशल दो दो जानवर कटवाए हैं यहाँ पे भाई, एक जानवर इस हॉस्पिटल के लिए, एक जानवर इस प्रोजेक्ट के लिए। क्या बात है, और इसमें सबसे ये पूरे प्रोग्राम को पूरी रात ये हमारे अकबर भाई हैं, पूरी रात दिन रात एक करके इस छोटे से प्रोग्राम को चांद लगा दी और इसको बहुत बड़ा प्रोग्राम। दोस्तों गड़ाब में मौजूद थे और गड़ाब में ये हॉस्पिटल वेट हॉस्पिटल की इंशाल्लाह ओपनिंग थी आज और माशाल्लाह इनवाइट किया था आपके भाई को, 3 महीने में इंशाल्लाह प्रोजेक्ट भाई स्टार्ट होगा। 3 महीने के अंदर अंदर भाई आलमगीर भाई ने बोला है कि भाई सारे कैमरों के सामने कि इंशाल्लाह शश के ऊपर होंगे हॉस्पिटल के। भाई ये कि गड़ा फार्मरों के लिए भाई एक तरीके से छुट्टी हो गई, अपना माल शहर लेकर आते थे या शहर से कोई डॉक्टर आता था, अब ये है कि गड़ाब में इंशाल्लाह भाई बहुत बड़ा हॉस्पिटल वेट हॉस्पिटल खुल जाएगा तो इंशाल्लाह जानवर जो बेचारे बीमार होते हैं परेशान होते हैं भाई कहीं दूर जाने की ना कहीं दूर से डॉक्टर मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई गड़ाब की बात भाई इंशाल्लाह गड़ाब में ही रहेगी, बाकी ये भाई मौसम देख लें और सारे इंशाल्लाह भी फार्मर हैं हमारे फॉलोअर्स हैं और सारे यूट्यूबर भाई माशाल्लाह मौजूद है। अच्छा भाई शौकीनों खाने का इंतज़ाम करा गया है गेस्टों के लिए हमारे लिए और माशाल्लाह से ज़मीन चेक कर लें और द कैटल सिटी का सेटिंग था हिसाब किताब था और एज ए बिल्डर्स और आलमगीर अलजन्नत कैटल फार्म के ताबून से भाई माशाल्लाह से ये हिसाब किताब हुआ है। आज माशाल्लाह इनवाइट करा गया था मेहमानों को, वो सामना भाई खाने पीने का सिस्टम चल रहा है, मैंने सोचा भाई आपको दिखा दें। ये कि भाई इतनी दूर दूर से लोग आए हैं खाली तो खैर नहीं जा सकते, माशाल्लाह भाई फुल एहतमाम हुआ है बिरयानी का और सारे हजरात मौजूद हैं माशाल्लाह से भाई, बड़ी खुशी मिलके इन लोगों से। और भाई माशाल्लाह मैं ख्वाजा साहब को शुक्र गुजार हूँ, ख्वाजा साहब ने याद रखा भाई मुझे गड़ाब के इवेंट में। माशाल्लाह भाई खाना पीना आ चुका है, ये चेक करें। चला आलमगीर भाई हमारे साथ हैं, इनको भाई बहुत बहुत मुबारक हो भैया आपका, जज़ाकअल्लाह खैर। जनाब आज जहाँ पर आप मौजूद हैं आपको पता है आप तो गड़ाब के काफ़ी चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएट लिया इस गड़ाब के फार्मर्स के लिए जो कि वेटनरी के हॉस्पिटल के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। सही, तो आज से एक हफ़्ते पहले हमने इसकी अनाउंसमेंट की थी कि आज के दिन में हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बुनियाद रखेंगे। सही, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन की बुनियाद रख दी द कैटल सिटी के प्रोजेक्ट में। जैसे ही आप इंटर होते हैं राइट हैंड पर द कैटल सिटी की इंशाल्लाह कल उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कल इंशाल्लाह। हमारे सूरती साहब जीएफए के सदर हैं, उन्होंने माशाल्लाह उसकी तकरीब की और वहाँ पे पहला खड्डा सूरती साहब के हाथों में लगवाया जनाब। बेहतरीन हो गया यार, अल्लाह पाक आपके काम में आसानी करे यार। और माशाल्लाह आपके अल्हम्दुलिल्लाह ये कैटल सिटी का प्रोजेक्ट है, जैसे आप सबको पता है बहुत ऑथेंटिक है, बिल्डर का प्रोजेक्ट है एजे किंग ने काफ़ी सारे जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पे बड़ी कामयाबी से डिलीवर किए हैं। तो आप लोग आएँ जैसे कि ये दिखाएं, ये हमारे मेन बॉलीवुड का रोड है। सही, इस रोड पे हमारे पास फार्म अवेलेबल हैं, पीछे हमारे पास फार्म अवेलेबल है, एक अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत कम और माकूल प्राइस पे। अगर थोड़ा आज प्राइस अगर रिवील कर दें सर, प्राइस रिवील करने की वजह आपको बताता हूँ कि मैं वो प्राइस क्यों नहीं रिवील कर रहा। आज ये वीडियो हमने बनाई, आज 25 तारीख है, 25 अगस्त ये वीडियो लोग देखेंगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। ये किंग की यही तो ऑथेंटिटी है भाई, महीनों में जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है।
तो इसीलिए प्राइस आप कॉल करें, इंशाल्लाह प्राइस आपको बताएंगे। बहुत माकूल प्राइस है, बहुत कम प्राइस है, बहुत मुनासिब मिड रेंज वाला काम है। सर मिड रेंज भी पीछे है, मिड से भी नीचे है। नहीं यार जी, मिड से भी नीचे, मतलब हर दूसरा बंदा आ सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। क्या मैं कहता हूँ कि जो हमारा नीचे का तबका है वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है माशाल्लाह, अच्छे प्रॉफिट के साथ। बोलना नहीं चाहिए, नहीं नहीं अल्लाह ना करे, कम आमदनी है, समझ गया मैं, बहुत कम कमाते हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर आकर इस अपॉर्चुनिटी से फायदा ले सकते हैं। बेहतरीन होगी, अच्छा बहुत शौकीन हो, वीडियो पूरी वॉच करें, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।